हेलो हाय एंड वेलकम टू योर चैनल सम स्टडी। आज हम इस वीडियो में उईपुरो के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम उईपुरो के हिस्ट्री और इसके फॉर्मेशन, इसके सीईओ, एमडी, चेयरमैन और अजिम प्रेम जी के बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा पुराना वीडियो जो कि जनरल साइंस के ऊपर EOS-01 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के ऊपर नहीं देखा है तो उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं उईपुरो के हिस्ट्री के बारे में। तो उईपुरो वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 29 दिसंबर 1955। तो उईपुरो का निर्माण 29 दिसंबर 1945 को हुआ था, यानी कि भारत के स्वाधीनता से पहले। कहाँ पर? अमलनर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र में अब की सरकार उद्धव ठाकरे की चल रही है। अजिम प्रेम जी के पिताजी यानी कि मोहम्मद प्रेम जी के द्वारा उईपुरो का स्थापना हुआ था। जब उनका मौत हुआ था 1966 को, तो अजिम प्रेम जी ने इसके चेयरमैन के भार संभाला था। तब अजिम प्रेम जी 21 साल के हुए करते थे। तो 21 साल के उम्र में उन्होंने चेयरमैन का भार संभाला था उईपुरो का। इन 1982 यानी कि 1982 में जो पुराना नाम वेस्ट इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड से उईपुरो का नाम चेंज कर दिया गया था 1982 में उईपुरो लिमिटेड के नाम से। इन पॉइंट को आपको याद रखना है। तो चलिए बात करते हैं उईपुरो के कुछ इंपोर्टेंट हिस्ट्री के बारे में। तो फरवरी 2002 को ISO 14001 सर्टिफाइड बनने वाला भारत का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एंड सर्विस कंपनी बना उईपुरो फरवरी 2002 को। और ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2010 में उईपुरो ने एशिया के रैंकिंग में पहला स्थान ग्रहण किया था, यानी कि एशियन सस्टेनेबिलिटी रेटिंग में इसका स्थान पहले स्थान पर था 2010 में। तो इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। एशिया में पहला स्थान 2010 को और फरवरी 2002 में ISO 14001 सर्टिफाइड हुआ था उईपुरो। मेनली उन समय जो ईयरलीज था उईपुरो का, तो वो पाम ऑयल और वेजिटेबल बेचते थे। चलिए बात करते हैं उईपुरो के और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो उईपुरो का पूरा नाम वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइन ऑयल लिमिटेड है। क्या है? वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइन ऑयल लिमिटेड, जो कि पश्चिम भारत में ताड़ की तेल यानी कि फ्रूट से जो निकाला गया तेल होता है उसको रिफाइन करके ये प्रोडक्शन करता है, यानी कि इसका मेन प्रोडक्शन सोप वगैरह होता है। उईपुरो इज ए इंडियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, यानी कि भारत का बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशन है उईपुरो, जो कि IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में, कंसल्टेंसी परामर्श के क्षेत्रों में, बिजनेस प्रोसेस सर्विस के क्षेत्रों में ये सर्विस प्रोवाइड करता है। कौन? उईपुरो। तो इसका हेडक्वार्टर कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर में स्थित है। और अब की जो कर्नाटका की सरकार BS येद्यूरप्पा की सरकार चल रही है। यदि आपने जो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइन ऑयल लिमिटेड यानी कि उईपुरो का ओनर अजिम प्रेम जी है, जिनको आप इस इमेज पर देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं इसके चेयरमैन यानी कि उईपुरो के चेयरमैन रिशद प्रेम जी, जो कि अजिम प्रेम जी के बड़े बेटे हैं, वो उईपुरो के चेयरमैन हैं। और CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उईपुरो के थेरी डेलापोर्ट हैं, जिनको आप इस इमेज पर देख सकते हैं। तो CEO थेरी डेलापोर्ट, चेयरमैन रिशद प्रेम जी और अजिम प्रेम जी ओनर, जो कि उईपुरो के 74% के ओनर हैं, यानी कि 74% इनके द्वारा खरीदा गया है उईपुरो का। और ये एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये भारत का सबसे बड़ा दानी व्यक्ति हैं, जो कि हर दिन 22 करोड़ रुपए चैरिटी को दान करते हैं। अगर हम बात करेंगे उईपुरो के कुछ सब्सिडियरी कंपनी के बारे में, तो इसमें आता है उईपुरो फ्लूइड पावर, उईपुरो कंज्यूमर केयर और लाइटिंग, CFL भी ये बनाता है उईपुरो कंपनी, और फर्नीचर भी बनाता है। तो हर एक क्षेत्रों में इसका योगदान है। तो उईपुरो इन्फोटेक हो गया, टेक्नोलॉजी के ऊपर हो गया, और जेई
मेडिकल सिस्टम और हेल्थ साइंस के ऊपर हर एक क्षेत्रों में विप्रो का योगदान है। भारत को आगे बढ़ने के लिए विप्रो का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और 2020 के जो फिलेंथ्रोपिस्ट लिस्ट में अजिम प्रेम जी ने टॉप किया था और इसमें वो इस साल 7,904 करोड़ की दान किए थे और दूसरे स्थान पर HCL के मालिक शिव नादार हैं और तीसरे स्थान पर मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मालिक 458 करोड़ रुपए दान करके तीसरे स्थान पर हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाएं। इसका कारण हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।